उधर रांची के हिंदूवादी नेता भैरव सिंह द्वारा लव जिहाद जैसे ज्वलंत विषय पर बनी राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म द केरला स्टोरी के स्पेशल शो का आयोजन स्थानीय प्लाजा सिनेमा हॉल में किया गया है। बता दें कि भैरव सिंह ने अब तक करीब 2500 महिला और युवतियों को फिल्म दिखाया है। भैरव सिंह का कहना है कि हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, मेरा अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और बहनें इस फिल्म को देखें ताकि किसी के झांसे में वो ना आए। तो द केरला स्टोरी को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा था, एक तरफ इसका समर्थन तो दूसरे तरफ विरोध देखने को मिल रहा था। इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको रांची की दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदूवादी नेता भैरव सिंह के द्वारा द केरला स्टोरी के स्पेशल शो का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्थानीय प्लाजा सिनेमा में किया गया। बता दें कि अब तक भैरव सिंह ने 2500 महिलाओं को यह फिल्म मुफ्त में दिखाया है। भैरव सिंह का कहना है कि हाल के दिनों में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं और उनका अनुरोध है कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा महिलाएं देखें और समझें ताकि वो किसी के झांसे में ना आए। देखिए, विषय यह है कि पिछले बार हम लोग फिल्म दिखाए थे लोगों को और ये पहली घटना नहीं है। छोटे छोटे संख्या में 50-60-70 की संख्या में ग्रामीण और शहरी लोग को पूरे रांची के प्रत्येक हॉल में हम लोग फिल्म दिखा चुके हैं और पिछला बार इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद भी लगातार 3 घटनाएं 2 दिन के अंदर देखने को मिलती है, एक हजारीबाग से, एक धनबाद से और एक लोहरदग्गा से। और पेपर में छपता है, फ्रंट पेज का न्यूज़ रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ गैर हिंदू लोग अपने आप को हिंदू बताकर हमारी बहनों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में और उनको लेकर के भाग गए थे। ये 2 दिन पहले की घटना है, बहुत सारे पेपरों में देखने को मिली है। तो इतना जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी लगातार समाज में इस प्रकार की समस्याएँ और बढ़ती जा रही हैं, इस प्रकार के केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों और माताओं तक हम लोग यह विषय को पहुँचा सकें। इस पिक्चर के बारे में मुझे ये जानकारी है ना कि जो आजकल की जितनी भी टीन एज लड़कियां हैं, जितनी भी हम सब लड़कियां हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए। उनको ये नहीं करना चाहिए कि ये 10 दिन का प्यार, 10 महीने का प्यार के लिए वो 12-14 साल का प्यार भूल जाए, माँ बाप को छोड़ दे। और वैसे ही लड़कियों के साथ वैसा होता है, इसके लिए वो अपने माँ बाप का प्यार ये करे। ये आजकल के प्यार ये समय झंझट में ना ही पड़े वही अच्छा है। केरल स्टोरी में देख चुकी हूँ, मैं अपनी सारी दोस्तों को लाई हूँ कि तुम लोग भी सारी लड़कियाँ मूवी देखें।